होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन हम लोगों को तो अपना काम करना ही है। तो आज मैं इसी में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेके आई हूँ। आज का मेरा ब्लॉग जो है वो मेकअप से जुड़ा हुआ है, तो आज मैं किसी का मेकअप लुक रिक्रिएट कर रही हूँ, वो है ऐश्वर्या राय बच्चन की। तो आज मैं उनका मेकअप लुक रिक्रिएट करने जा रही हूँ। आई होप कि वो उनके जैसा हो पाए, पता नहीं एकदम वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके जैसा थोड़ा बहुत भी क्रिएट कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, कैसे करते हैं पता नहीं, बट करेंगे, कुछ तो करेंगे हम। चलिए आइए देखिए मैं कैसे करती हूँ इसको। ये पॉन्ड्स का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है और मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, कभी भी मेकअप करने से पहले या नॉर्मल घर में भी मैं इसी मॉइस्चराइज़र को यूज़ करती हूँ। ये किसी भी टाइप की स्किन, चाहे वो ड्राई हो, नॉर्मल ऑयली हो या नॉर्मल स्किन हो, सभी के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी आपको, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्किन पर बहुत अच्छा सा एक नेचुरल ग्लो भी लेके आता है ये साथ में। तो अभी मैं, अब ये एक नायका का फेशियल ऑयल है, फेस ग्लो ऑयल है, मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। ये मैंने नायका से मंगाया था और ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ है मेरे पास, मतलब हमें नहीं लेना है ये 3 to 4 drops। तो ये नायका का ऑयल है फेस ग्लो फेस ऑयल, मैंने इसको 3 to 4 अपने फेस पे लगाया है। मैं ये ग्लो ऑयल लगाती हूँ, इसको बहुत अच्छे से अपने फेस पर लगा ली। कलर बार का प्राइमर है, इसको यूज़ कर रही हूँ। ये प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी टाइम से इस प्राइमर को यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप एक थोड़ा सा इसको लेके फेस पे हल्का हल्का हर जगह लगा के इस तरीके से फेस पे जैसे मैं कर रही हूँ हल्का हल्का रब करना है। इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की तरह हमें रब नहीं करना होता है, इसको हमें डैब डैब करके अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है। तो मैं फेस पे और नेक वगैरह पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ इसको। अब मैं बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है, मेरे पास इन साइड का आई प्राइमर है, तो ये भी मैंने नायका से ही मंगवाया था, इन साइड का है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको भी बताना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है। तो इसको मैंने बहुत ज़रा सा, आई पे तो वैसे भी बहुत ज़रा सा ही होता है, तो आई पे बहुत अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं लिप्स को अपने प्रेप कर रही हूँ, मैंने वैसलीन लगा ली है। अब मैं आईज़ पे लैक्मे का कंसीलर हल्का सा लगा रही हूँ, डैब 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 करके हमें इसको लगाना है। तो मैंने अपनी आईज़ पे कंसीलर को बहुत अच्छे से लगा लिया है। ये मेरे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे हल्के हल्के से ब्लेंड करिए, बहुत लाइट आईज़, वैसे भी आईज़ बहुत सॉफ्ट पोर्शन होता है हमारे फेस का, तो बहुत हल्के हाथों से इसको अप्लाई करिएगा। इसके बाद मैं आई शेडो लगाऊँगी, तो मैंने ये बहुत लाइट कलर का एक आई शेडो लिया है, पहले मैं इससे एक बेस बनाऊँगी। तो अभी मैं इससे बेस बना रही हूँ, देखते रहिए आप, बहुत अच्छा बेस बनाना है। तो धीरे 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 अप्लाई करने से ही आता है, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये वीडियो शेयर किया है, आप लोगों से बनाया है। पहले मैं भी मेकअप बहुत अच्छे से नहीं कर पाती थी, बट अब मैं कर सकती हूँ, तो मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना ये शेयर किया जाए। तो बहुत अच्छे से धीरे 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 हाथों से आँखों के आस आँखों पर आईलिड पर हमें उसको अप्लाई करना है। मैं ब्रश से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको फिंगर से भी कर सकते हैं, मुझे तो फिंगर भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब इसके बाद मैं बहुत लाइट कलर में ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, क्योंकि आप देखिएगा कि ऐश्वर्या राय जी का जो लुक है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मेकअप नहीं कर रखा है, बहुत लाइट मेकअप किया हुआ है, तो मैं भी उसी हिसाब से बहुत लाइट मेकअप ही करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं हो रहा है मेरा। तो आप देखिएगा मैंने लाइट ब्राउन कलर का, बहुत लाइट कलर का मैंने आई शेडो लगाया है। इसके बाद मैं बहुत लाइट शिमरी कलर का एक आई शेडो लगाऊँगी, ये इसमें गोल्डन और सिल्वर मिक्स टाइप का है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इवनली आपको ये यूज़ करना है अच्छे से। मैंने आई शेडो यूज़ कर लिया है, इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से ब्रश की हेल्प से
एक छोटा सा मिरर में, मुझे बड़े मिरर में बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहा था, तो मैंने एक छोटा सा मिरर लिया है, उससे मैंने अच्छे से उस पर स्प्रेड कर लिया है। और अब मैं अपनी आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। इसके लिए आपके पास आईब्रो वाला ब्रश होना चाहिए। इससे मैंने इसको शेप दे दिया है। और मेरे पास अभी कलर बार का ब्राउन कलर का पेंसिल है। हमेशा आईब्रो पे कभी भी ब्लैक कलर का पेंसिल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर से वो नेचुरल नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा हैवी लुक लगने लगता है। तो आईब्रो पे हमेशा ब्राउन कलर ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद ये मैं इस ब्रश की हेल्प से, जो मैंने पेंसिल यूज़ की है उसकी हेल्प से इसको इवन कर रही हूँ। तो इसकी, जब हम इस ब्रश की सहायता से इसको करते हैं ना, तो ये अलग से नहीं लगता है, ये उसमें हमारी आईब्रोज में एकदम मिक्स हो जाता है, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है ये भी। अभी मेरे पास ये नायका का ब्लैक आईलाइनर है, तो मुझे ये पेंसिल वाला आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से ये लग भी जाता है एक केस तो बहुत अच्छे से, और ये मुझसे बहुत आसानी से लग भी जाता है। तो मैं जनरली पेंसिल वाला ही आईलाइनर प्रेफर करती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि एकदम डार्क जेट ब्लैक कलर में है, ये बहुत सुंदर लगता है। अब देख सकते हैं इवनली, ये लाइनर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको दूसरी आईज पे भी उसी तरीके से अप्लाई करी। एक्चुअली मुझे लाइनर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जनरली ऐसे प्रेस करके नहीं लगाना चाहिए, बट मैं ऐसे लगा पाती हूँ। मुझे थोड़ा सा लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है, लाइनर लगाते लगाते मेरी आईज़ में पानी भी आ गया था। तो अभी मैंने आई का मेकअप कंप्लीट कर लिया है, अब मैं अपने फेस का मेकअप करने जा रही हूँ। तो फेस पे मैंने मैबलिन का फाउंडेशन लिया है 128, जो कि मेरे फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। और मैंने शुगर का इल्यूमिनेटिंग क्रीम ली हुई है, ये बहुत अच्छा सा एक ग्लो देती है अपने फेस, आपके फेस पे। तो मैंने इसको, मेरे पास मैंने हाथ में ही दोनों को ब्लेंड कर लिया है, मिक्स कर लिया लेके, और मैं इसको फेस पे डॉट डॉट करके लगा रही हूँ। इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने भिगो के रख लिया था। मैंने वाइप की सहायता से इसको बहुत अच्छे से इसका पानी निकाल दिया था। और अब मैं इससे अपने फेस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देखिए, मैं इसको कभी भी इसको रब करके नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रेस करके डैब 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 करके ही इस फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन को खींच के लगाओगे, किसी भी, चाहे वो ब्लेंडर हो या किसी भी, उससे आप करेंगे तो वो अच्छे से आपके फेस पे ब्लेंड नहीं होता है और लाइनिंग्स ही आ जाती हैं। तो फाउंडेशन हमेशा ब्लेंड डैब 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 करके ही लगाना चाहिए, कभी भी उसको प्रेस करके खींच के नहीं लगाना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से नेक पे, फेस पे, कानों के आसपास भी, कानों पे भी हो सके तो आप लास्ट में, जो ब्यूटी ब्लेंडर में जो लास्ट में लगाया जाता है, उससे अपने कानों पर भी अप्लाई कर लीजिए, तो इवनली लगता है, वो पूरा एक इवन लुक आता है। क्योंकि फेस पे तो कान भी दिखते हैं यार, हमारे तो कान भी उतने ही अच्छे होने चाहिए ना जितना फेस होता है। तो इसलिए अभी आप देखिएगा, मैंने कानों पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया था, नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देखिए आप, धीरे धीरे मेरी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने इस पर वो इल्यूमिनेटिंग क्रीम मिलाई थी, उससे एक बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो अब मैं अपने फेस पे हल्का सा कंसीलर लगा रही हूँ। बहुत लोग कंसीलर पहले भी लगाते हैं, मैं बाद में लगाती हूँ बहुत हल्का सा। वैसे मैं ज़्यादा कंसीलर कभी, मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती ज़्यादा, क्या मैं कंसीलर बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। बट इस बार मैंने ऐश्वर्या राय जी का मेकअप रिक्रिएट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा यूज़ करती हूँ हल्का सा। अभी मैं ब्रश लिया है, इस ब्रश की हेल्प से मैं अपना फाउंडेशन को बहुत और भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर की बात, अगर आप इस ब्रश से अपने फेस पे कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देखिए मेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है, और मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और अब मैं ब्रश की सहायता से ब्रश अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैंने एक पिंक और बहुत लाइट सा ब्राउन, बहुत लाइट सा शेड लेके, दोनों शेड लेके मिक्स करके हल्का हल्का सा ब्रश लगाया है। देखिए मेरे फेस पे
बहुत ही लाइट कलर का मैंने ब्लश लगाया, क्योंकि आप ऐश्वर्या राय जी का अगर लुक देखेंगे तो देखेंगे उनके फेस पे बहुत हल्का सा नेचुरल सा ग्लो है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेकअप नहीं कर रखा है। तो मैं भी उसी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा टच कर पाऊँ, उनके आसपास पहुँच पाऊँ। तो देखते रहिए आप मेरे मेकअप को पूरी तरीके से, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको मेरा पूरा लुक देखने को मिलेगा। हल्का सा वही ब्लश जो ब्रश पे लगा हुआ था मैं अपनी नोज़ पे और अपने फोरहेड पे चिन पे भी लगा रही हूँ, बहुत हल्का हल्का सा ब्रश की सहायता से मैंने कर लिया है। देखिए मेरे फेस, मेरे चीक्स पे बहुत हल्का सा एक पिंकिश सा ग्लो आ गया है, जो जितना मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बहुत हल्का सा ही है उनके फेस पे। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि वैसा ही लुक होना चाहिए मेरा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मैंने हाइलाइटर लगाना शुरू कर दिया है। ये जो आप देख रहे होंगे कि एक ही ब्रश की सहायता से मैं सब कुछ लगा रही हूँ, तो ये ब्रश मल्टीपर्पज़ ब्रश है। ये ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं फाउंडेशन, ब्लशर, हाइलाइटर मैं सभी इसी ब्रश से लगा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्रश, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से हमारे स्किन पे सब कुछ ब्लेंड करता है ये। तो ये मैंने ऐसे लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था, किस ब्रांड का है मुझे नहीं पता, ऐसे ही नॉर्मल किसी ब्रांड का है, मैंने ले लिया था ऐसे ही, मार्केट गई थी तो मुझे अच्छा लगा। तो क्वालिटी बट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है, मैं लगभग इसको 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और ये अभी भी इसकी क्वालिटी में कोई भी ख़राबी नहीं आई है, बहुत अच्छा ब्रश है ये। तो अब मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। मेरे पास लैक्मे का सेटिंग पाउडर है तो मैं उसी से इसको सेट कर रही हूँ। पूरे फेस पे हल्का हल्का पाउडर लगा रही हूँ मैं, इसे मैं अपने पूरा सेट कर लिया है मैंने अपना मेकअप। और आप देखिए अब मेरा फेस कितना ही ग्लोई लग रहा है, बहुत अच्छे से मेरा मेकअप हो गया है। मैं बहुत हल्का सा जो आई शेडो था उसी में से जो मैंने लाइट ब्राउन कलर आई शेडो पे लगाया था वही वाला मैं नीचे भी लगा रही हूँ, बहुत हल्का हल्का सा आईलिड के पास लगा रही हूँ। और प्लीज़ आप ऐश्वर्या राय से कंपेयर करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे मेरा लुक कैसा लगा। बहुत ही ध्यान से आप आँखों के आसपास हमें लगाना है, ये आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, बहुत ध्यान से लगाइएगा। बहुत ही ज़्यादा मैंने अब यहाँ बहुत हल्का सा काजल लगा दी हूँ। मैं उसी पाउडर को अपने इस पर सेट कर रही हूँ। मैंने हल्का सा हाइलाइटर भी लगाया है, थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। अब ये मेरे पास फिक्सिंग स्प्रे है तो मैं इसको अपने फेस पे डाल रही हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन का है, बहुत ही अच्छा फिक्सिंग स्प्रे है, बहुत अच्छा सा ग्लो दे देता है ये हमारे फेस को। मैंने सेटिंग स्प्रे से मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। मैंने लिप पहले से ही प्रेप कर लिए थे तो अभी मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ रेड कलर का। ऐश्वर्या जी ने सुर्ख रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, या सुर्ख रेड नहीं है, थोड़ा सा डार्क रेड लेंगे। तो अभी मेरे पास रेड कलर का लिप लाइनर था, इससे मैं लाइन लिप को अच्छे से कर रही हूँ, लाइन कर रही हूँ। मेरे पास ये रेड कलर की लिपस्टिक है, इससे मैं लगाऊंगी। बहुत प्यारा कलर है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये कलर। और रेड कलर तो वैसे भी किसी भी स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर रेड कलर की लिपस्टिक लगा लेते हो तो वैसे ही आपके फेस पे एक ग्लो आ जाता है बहुत ही अच्छा सा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा रेड कलर लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपने देखा होगा मुझे मेरी रील्स में ज़्यादातर मैं रेड कलर ही यूज़ करती हूँ, मुझे रेड कलर की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास बहुत सारे रेड कलर में भी बहुत सारे रेड कलर्स की लिपस्टिक पड़ी हुई है। तो अभी मैं बिंदी लगाई तो मुझे लगा कि ये बिंदी कुछ ज़्यादा छोटी थी तो मैंने चेंज करके थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई है,
जो साइज़ की ऐश्वर्या जी ने लगा रखी थी, क्योंकि एक्चुअली मैं उनका लुक रिक्रिएट कर रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हीं की जैसे कर पाऊँ। अब मैं अपनी आईब्रोज को हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटर से, थोड़ी सी शार्प दिखती है इसमें हमारी आईब्रोज, तो बहुत हल्का हल्का सा हाईलाइटर लगा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत लाइट से लगाना है। और साथ ही मैं आईज के इनर कॉर्नर पे भी बहुत हल्का हल्का सा हाईलाइटर लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत लाइट सा। आप जब ऐश्वर्या का लुक देखेंगे और मेरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, मैंने उनके लुक को कॉपी करने की पूरी कोशिश की है, कॉपी करने की नहीं एक्चुअली रिक्रिएट करने की, सॉरी। तो आप जब देखिएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा रिक्रिएट किया है, अच्छा किया है या नहीं किया है। प्लीज़ मुझे 10 में से आप कितने नंबर देना चाहोगे तो ज़रूर देख के दीजिएगा मुझे। और मैंने ये 2-3 बार रिहर्सल करने के बाद बनाया है ये वीडियो, और अब आप देखिए कि मैंने मेरा लुक लास्ट में कैसा लग रहा है। मैंने साथ ही ऐश्वर्या जी की फ़ोटो भी अटैच कर दी, और मैंने भी वैसे ही बाल बना लिए हैं, ज्वेलरी थी मेरे पास उस टाइप की, मैंने ज्वेलरी भी पहन ली है, और मेरे पास कान के भी उसी टाइप के थे तो मैंने पहन ही लिए सेम। तो अब आप प्लीज़ देखिएगा, ये मेरा फुल लुक है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने रील बनाई थी, उसके बाद तो मैंने गाना म्यूट कर दिया है, क्योंकि आपको तो पता है यूट्यूब वाले कॉपीराइट क्लेम डाल देते हैं, तो मैंने उन गाने को म्यूट कर दिया है। तो प्लीज़ मेरी रील जाके देखिएगा कि मैंने किस गाने पे बनाया है, और कंपेयर ज़रूर करिएगा मुझे ऐश्वर्या जी से कि ये लुक उनके जैसा उनके आसपास पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, कैसा लुक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइए मैं आप ये कौन सा सॉन्ग है जो मैंने इसमें लगाया है, और प्लीज़ मुझे बताइए मैं आपके लिए और किस टॉपिक पे व्लॉग बना के लेके आऊँ। प्लीज़ थैंक यू सो मच गाइज़।